सुशांत सिंह राजपूत मामले में नाम आने के बाद सारा अली खान का सोशल मीडिया पर खूब विरोध हुआ था। इसका असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ा। रिपोर्ट की माने तो कंट्रोवर्सी में नाम आने के बाद उन्हें टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरो पंक्ति 2 से निकाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म में अब उनकी जगह तारा सुतारिया को कास्ट किया गया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सारा का नाम आने के तुरंत बाद उन्हें हीरो पंक्ति से हटा दिया गया था। चूंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में साथ काम कर चुकी तारा सुतारिया भी टाइगर की अच्छी दोस्त हैं, इसलिए टाइगर ने प्रोड्यूसर को उन्हें कास्ट करने के लिए कहा। आउटसाइडर होने के नाते तारा सारा का सही रिप्लेसमेंट लगी। मेकर्स ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास अपने प्रोजेक्ट को बचाने और आगे बढ़ने के लिए और कोई विकल्प नहीं था। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन के बैनर तले बन रही हीरोपंती 2 का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग जल्द ही UAE में शुरू होगी। फिल्म की संभावित रिलीज डेट 16 जुलाई 2021 है। वहीं सारा की बात करें तो उनकी अगली फिल्म कूली नंबर 1 है, जिनमें वह वरुण धवन के अपोजिट नजर आएंगी। डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 25 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इसके अलावा वे अक्षय कुमार और धनुष स्टारर अतरंगी रे में दिखाई देंगी, जिसका निर्देशन आनंद एल राय कर रहे हैं। फिल्म अगले साल रिलीज होगी। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABP एंटरटेनमेंट।